आज के समय में शायद ही ऐसा कोई होगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता होगा। बच्चे, युवा, बूढ़े सभी आजकल सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं। चाहे वजह जो भी हो, लोग घंटे घंटे अपने जरूरी काम छोड़कर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर लगे रहते हैं। आजकल ये बहुत ही साधारण जैसा हो गया है, हर कोई लोग इनका उपयोग कर रहा है। सोशल मीडिया को लेकर हर वक्त विवाद छिड़ा रहता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। ये विवाद खत्म नहीं होने वाला, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, ये हम सब जानते हैं, पर कोई भी महसूस नहीं करता। सोशल मीडिया के प्रभाव सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकता है। ये संपूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। सोशल मीडिया आज के जमाने में इतना शक्तिशाली हथियार बन गया है कि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलना मुश्किल जैसा है। यूं तो सोशल मीडिया के कई नकारात्मक प्रभाव है, पर आज हम सोशल मीडिया के स्टेटस और रियल लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। कभी कभी ये सोशल मीडिया एक ऐसी हथियार बन जाता है जो एक परिवार एक रिश्ते तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लेता। सभी रिश्ते नकारात्मक प्रभाव का सामना नहीं करते, कुछ इससे सीखते हैं और इसे अधिक सकारात्मक तरीके से देखते हैं। सोशल मीडिया पर हम हजारों लोगों को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उनके जीवन में क्या होता है। कुछ जोड़े सोशल मीडिया पर अन्य जोड़ों की तस्वीर और जीवन शैली को देखते हैं और उनकी तुलना करते हैं। वहाँ से शुरू हो जाता है झगड़ा, रिश्ते में दरार, और कभी कभी लोग रिश्ता तोड़ने के लिए पछताते भी नहीं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि बाहरी रूप से सब कुछ सही लगता है, सभी की अपनी अलग अलग कहानी है जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इस तरह की तुलना से उम्मीदें बढ़ती है। विरोध तब होता है जब आपका साथी आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप भी उसी की तरह व्यवहार करो जैसे वो करते हैं जिनको वो सोशल मीडिया पर स्टेटस में देखेंगे। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हर रिश्ता अपने तरीके से अनोखा होता है। आज की दुनिया में लोगों का मानना है कि यदि आप किसी के साथ कोई रिश्ते में है तो अपने पार्टनर के साथ फोटो डालना जरूरी है। पूरी दुनिया को ये जानना होगा कि आप और आपके साथी एक साथ अच्छे समय बिता रहे हैं। यदि आप अपने साथी के साथ फोटो पोस्ट नहीं करते हैं तो शायद आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ सैड सॉन्ग या सैड बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप दुखी हैं। अगर आप कुछ काम की बात कर रहे हैं तो आपको लोग लाजी समझ लेते हैं। हमें ये मिथ को तोड़ना चाहिए और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहिए। जीवन तो केवल एक ही बार मिलता है दोस्तों, इसे सोशल मीडिया सोप या कंपेयर में मत गवाइए। जो सोशल मीडिया में होता है उन्हें नजरअंदाज कर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए। अपने सोशल मीडिया का उपयोग उसी तरीके से करो जैसे आप चाहते हो। अन्य लोग इसे कैसे चाहते हैं उस तरह से प्रयोग ना करो। कभी कभी हम सोशल मीडिया में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास अपने परिवार हैं, रिश्ते हैं, जिनके लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, क्योंकि वो सारा वक्त जो हमारे रिश्ते को मजबूत कर सकता था वो सारा जाता है सोशल मीडिया को। एक दूसरे के साथ खुशी के दो पल बिताना भूलकर सभी फोन पर लगे रहते हैं। आप ये बात खुद भी नोटिस किए होंगे, जब हम किसी जगह घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, वहाँ सब मिलकर खुशी के दो पल बिताना भूलकर फोन पर फोटो खींचने में लग जाते हैं और साथ में अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के वजह लेकर लौटते हैं जगह के बस कुछ फोटो। क्या हमारे लिए अपने परिवार, साथी, बच्चे, माँ बाप से बढ़कर है ये सोशल मीडिया में फोटो पोस्ट करके शोप करना? दोस्तों, ये आप ही विचार कीजिए। हमें पता है आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, पर क्या फायदा? ये सोशल मीडिया का जाल इतना सख्त है कि हमारे इरादे इसके सामने बहुत फीके लगते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया से तो कोई भी दूर नहीं रह सकता, ये एक सख्त वचन जैसा है। अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगी, हमें थोड़ा ये भी ध्यान देना होगा कि हमारे परिवार है और हमें उन्हें भी कुछ अच्छा वक्त देना चाहिए। इससे सबके जीवन में खुशहाली होगी और सबके रिश्ते गहरे होंगे। शुभ विचार के साथ नमन करके इस वीडियो को